वहीं छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी के सुरक्षा बलों के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। बता दें कि नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले सुकमा इलाके में नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। वहीं ये बता दें कि सुकमा पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले में नियत नेल्ला नार अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं इस अभियान में कई नक्सली समर्पण कर चुके हैं। आज भी 20 लाख रुपए के 4 इनामी नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष नक्सली भी शामिल है। सभी नक्सली 15 सालों से नक्सली संगठन में रहकर कई बड़ी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि सभी नक्सली बड़े हथियार के साथ जंगल में रहा करते थे। समर्पण करने आए सभी नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई जा रही पुनर्वास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। वहीं समर्पण करने आए नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी 25,000 रुपए दी जाएगी और दी गई है। कैप्टन द्वारा सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, नियत निलंबन सुकमा जिले में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन चारों को मिला के 20 लाख का इनाम है। 2 पुरुष नक्सली और 2 महिला नक्सली है। जो पुरुष नक्सली है उसमें से कैलास उर्फ कवासी देवा पिता हिडमा, ये पामलूर थाना किशाराम इलाके का रहने वाला है। कंपनी नंबर 10 जो गढ़चिरौली जिले में एक्टिव थी उसमें ये डिप्टी कमांडर था। इस पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख का इनाम रखा गया है। यह विविध घटनाओं में शामिल रहा है। AK-47 जैसे हथियार की धारित करता था। चुक्की मड़कम पिता किसान निवार वो भी पामलूर की है। दक्षिण बस्तर डिवीजन टेक्निकल टीम की ये सदस्य है, ACM है। इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 लाख का इनाम रखा गया है। वंजाम हड़मा उर्फ सुनील